मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान युवाओं को शिक्षित तो बना दे रहे हैं, लेकिन जब वो छात्र संस्थान से बाहर आता है तो उसके पास ज्ञान नहीं होता है कि अब क्या करना है। यह कार्यक्रम उस भटकाव से दूर करने का माध्यम है, उसके चरित्र विकास के लिए मंथन करें, केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि उसे ज्ञानवान भी बनाना है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षण संस्थानों के पास फिर से अवसर है। सीएम ने विभिन्न राज्यों से आए लोगों से अनुरोध किया कि लखनऊ, नैमिषारण्य व अयोध्या का भ्रमण करें और इन जगहों पर क्या नया हो सकता है, यह सुझाव भी हमें उपलब्ध कराई। सीएम ने कहा कि लखनऊ में आयोजन भारत के उस प्राचीन परंपरा का स्मरण कराता है जिसे सदियों पूर्व यहाँ के 17 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने मंथन के माध्यम से भारत की वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने का कार्य किया था। देश की आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न करने के बाद आज अमृत काल में प्रवेश कर गया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अवसर पर देशवासियों का आह्वान किया कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया, हम इसमें सहभागी भी बने। लेकिन जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत उस भारत के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान,